पटवारी अभिनव चतुर्वेदी को लोकायुक्त टीम ने 35,000 रुपए लेते हुए रंगे हाथों दबोचा। खबर शिवपुरी के फतेहपुर रोड से आ रही है। यहां पर हम आपको बता दें कि फतेहपुर रोड पर निवासरत पटवारी अभिनव चतुर्वेदी ने नामांतरण के एवज में 40,000 रुपए की डिमांड की थी, जिसके बाद 35,000 में इनकी डील हुई थी। इसके बाद फरियादी रिंकू जैन ने लोकायुक्त की टीम को शिकायत दर्ज कराई थी और कार्यवाही की मांग की थी। जब आज फरियादी रिंकू जैन पैसे की डील के बाद पैसे देने पहुंचे, तभी लोकायुक्त की टीम ने 35,000 रुपए देते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। इस वैधानिक कार्यवाही पर टीम ने आगे बताया कि इसमें कुछ और नाम बढ़ सकते हैं। मामले की जांच की जा रही है। आवेदक हमारे पास आए राजेंद्र जैन जी, उनका तहसील शिवपुरी में नामांतरण करवाना था भवन का, उसके एवज में आरोपी हैं अभिनव चतुर्वेदी जी। ये 40,000 रुपए की डिमांड कर रहे थे, जिसमें 35,000 में इनकी डिमांड तय हुई, तो आज उनको 35,000 रुपए देते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। वही कार्रवाई लोकायुक्त आज यहाँ पे कर रहे हैं। इसमें और भी नाम बढ़ सकते हैं, क्योंकि ये नामांतरण की पूरी प्रक्रिया है कि पटवारी से लेकर तहसीलदार से होकर निकलती है, तो कहीं ना कहीं और नाम बढ़ सकते हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें ये विवेचना का विषय है और इसमें संभवतः जरूर नाम बढ़ेंगे। कार्रवाई के दौरान इनने जो है सपोर्ट नहीं किया, क्या कहेंगे? हाँ, अब इंसान डर जा, हाँ, भागने की फिराक में थे, घबरा गए हैं, तो ये डर गए कि पता नहीं कौन आ गया, तो ये थोड़ा इन्होंने हाथापाई का भी पूरा प्रयास किया है, तो पुलिस बुलाई गई थी। एक मकान का नामांतरण कराना था, उसके एवज में 40,000 रुपए की रिश्वत मांगी गई थी। मेरे द्वारा लोकायुक्त में उसकी शिकायत दर्ज कराई थी। आज लोकायुक्त पुलिस ने यहाँ पर कार्रवाई करते हुए 35,000 रुपए की रिश्वत रंगे हाथों लेते पकड़ा गया है पटवारी को, पकड़ा है। इसमें और भी लोग शामिल लगे? अब ये जांच का विषय, टीम अपनी जांच करेगी, उसमें सामने आएगा।